ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, मुझे बोले आप तो मैं कितना अच्छा सीन का कल हुआ तो मुझे कुछ अच्छी लगती है जो सर्चिंग बोर्ड है ना, हाँ वो खड़ा सर्चिंग बोर्ड खड़ा हुआ, ये आया कहाँ से, मेरी खोज शुरू हुआ। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि कॉन्फिडेंस कैसे है, तो और बताइए अपने बारे में। एक तो आप हॉरर जो है पढ़ते हैं, हॉरर आपकी कौन सी फेवरेट है हॉरर? नहीं नहीं आप नहीं बैठो, आप हिलना मत, आप थोड़ा सा इधर आओ ना। हाँ तो अब आप हमको बताइए कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी है। वो बताइए कौन सी नॉर्मल है, हमको जानना है वो बुक्स। कोई भी जो आपको याद हो, क्या आपको कोई याद है? अच्छा स्टोरी सुनाइए, कौन सी स्टोरी? कौन कौन सी चीज आपको इंस्पायर्ड, कौन सी चीज आपको वो मुझे जानना है। आपको कौन सी चीज याद है? नहीं मुझे एक छोटी सी बात बस कहनी है, जितने दूर हम बैठे हैं कैमरा से मुझे नहीं लगता कि आवाज उतनी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। नहीं हो रही है, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, वो हाई क्लास कैमरा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कमरा नंबर 8 में तो नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये हमारे घर में ये हमारी पोती है, ये और ये दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। तो दादाजी को अभी भी नहीं आया, दादाजी अभी भी घबरा जाते हैं, होता बहुत कॉन्फिडेंट है ये अभी सी, ये हमारे पोते बने हैं और दादाजी का और पोते का बहुत प्रेम है इसमें। हम दोनों की जो खटिया है वो बिल्कुल पास पास में हमारी ऐसी है, कुछ दिनों तक अब हमारी शादी होने जाए, बोल बात नहीं, शादी हो जाएगी फिर भी क्या है, फिर हम दादी दादा के लिए दादी ले आएंगे। मैं लेकिन आपकी खटिया और फिर खटिया खटिया खड़ी कर दोगे हमारी? नहीं इसलिए तो कितनी बदमाशी है, स्टेप दादी फिर वो खटिया आपके बाजू में लग जाएगी और दादी दादा साथ में। चलो अच्छा विचार अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे नेक विचार के लिए, अच्छी दादी है। बीच बीच टेक में मैं आपको इंस्टाग्राम पे दादी के ऑप्शन भी तो दिखाता रहता हूँ। आपको पता नहीं है, आई 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 यस खत्म कर लीजिए फिर आप आएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ तो आप पूछ रहे थे। अच्छा हाँ मैम, वो कहानी बताइए जो आप हमें बताने जा रहे हैं, किस बुक से बताइए? अच्छा चलो हॉरर है, चलो इसको स्टॉप कर देते हैं, विराम देते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े, बात हमारी वही खड़िया खड़ी हो गई बीच में। हाँ एनीवे सॉरी, क्या बातें हो रही है? हाँ बहुत अच्छी बात है, आइए आइए आइए, आपका भी स्वागत है, अगर आप आएंगे तो हमको बड़ी। इधर इधर हाँ यहाँ आइए, आप यहाँ आ जाइए दोस्तों, हमारे साथ ज्वाइन करने जा रही है हमारी छोटी बहू, मेरी ऑन स्क्रीन मम्मी, इनकी ऑन स्क्रीन मम्मी है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भावना जी, विद्या मैम। हाँ तो हमारे बीच आ गई है हमारी बहू है विद्या, प्ले कर रही है, तो मैं इनसे सवाल बीच में रह गया, इस बार कंप्लीट ही कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा मैं। हाँ आप मुझे बताइए कि वो वहाँ है, किताब पढ़ने के अलावा दूसरा शौक बताइए, आप टाइम कैसे पास करते हैं पढ़ने का? ये तो हो गया हॉरर का, अब क्या करते हैं भाई, इतना समय होता है दिन में सुबह से, क्या करते आपको क्या पसंद है सर? वेरी गुड, किस तरह की सिंगिंग और किसको सुनना पसंद है? आप थोड़ा आगे आए, ओके वो कौन सा गाना पसंद है जिन? सारे गाने।
एक कोई गाना गुनगुना दीजिए कोई भी, हमको बड़ी खुशी होगी। सुनाइए ये वाला गाना सुनाइए। नो प्रॉब्लम। आपको कौन सा आता है? कहीं भी जले गए या वो लग जा, यही कहने वाला था। आप कहाँ थे? हाँ सुना दीजिए। ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है, इससे पहले हम कुछ गाना था। यस हाँ हाँ, ये गाना गा रही है। जल्दी से दो लाइन गुना दी दोस्तों। हाँ चूंकि थोड़ा सा व्यवधान आ गया है, लेकिन हम एक लाइन हमने सुन ली है, इसके बाद फिर एक गाना सुनेंगे और गाना हम जरूर सुनेंगे, उसके बाद और भी बातें जानेंगे इनसे। ब्रेक के बाद, ब्रेक हो गया है खाने का, तब तक राधे राधे कर देते हैं। राधे राधे। और हमारे पसीने का नाम लेंगे एक दो तीन के बाद। एक दो तीन, आशाओं का सवेरा धीरे धीरे से। और सर आइए आइए ना। और अच्छा ठीक है, ओनली ऑन स्टार भारत एट 9:30 मंडे टू सैटरडे। तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे, राधे।